सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्लास नाइन्थ के चैप्टर 4 लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू के क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसके चैप्टर 2 के पॉलीनोमियल्स के हमने क्या करे थे, क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। जो इसने वो वीडियो नहीं देखे, लिंक इसके बायो में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो सीखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। हम जैसे देख रहे होंगे क्या रहा था, लीनियर इक्वेशन 3x-11 = 10 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली 3x, ठीक है, क्या लेना है हमें 3x-11 = 10, यही इक्वेशन गिवन थी मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली y की टर्म में इसको पूरा कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये 10, 3x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3x, 11 क्या था, मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा, 11 इधर आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये आपकी ये टर्म निकल आ जाती है। अगर आप यहाँ पर x एंड y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखते हैं बच्चा, तो आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी। अगर y की वैल्यू हमने कुछ ली तो x की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू कुछ ली तो y की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन आपको मिलते रहें, यानी इसमें क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट, ठीक है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन से बढ़ने पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ, इसमें हम पूरा प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं क्लास नाइन्थ के बच्चे के लिए मैथ्स की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो टर्म 1 में आ रहे हैं आपके उसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं 20 हर एक चैप्टर के, जिससे क्या होगा आपको पेपर में हेल्प मिलेगी, आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे इसका बेनिफिट ले सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम में ऐड हो जाएं आप, ताकि आपको सबसे पहले इसके एमसीक्यू की सीरीज अपडेट जो भी है वहीं पर मिलती रहेगी, वहाँ से आप जाके लाइन वाइज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में जाके आप पूछ भी सकते हैं हमसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 3x+10 0 विल है। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, अब आपसे पूछ रहा है भाई किसके सॉल्यूशन क्या होंगे। सिंपली आप इस इक्वेशन को ले लो, 3x+10 = 0, ठीक है, ये दे रखा। अगर मैं x की वैल्यू निकालू यहाँ से, ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के -10 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालू तो -10/3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -10/3, क्या इसकी वैल्यू और कुछ आ सकती है, नहीं आ सकती। तो टू सॉल्यूशन तो है नहीं, ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, इन्फिनिटी भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन भी नहीं। तो बचता क्या है मेरे पे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, यही -10/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका, -10/3। नेक्स्ट में मूव करते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा था, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-2y = 4, इससे पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, इनके पॉइंट्स एक बार रख के चेक करना। अगर मैं 0 और 2 रखूँ x की जगह, हमें पता है किसी पॉइंट को x, अरे आजा भाई आजा, कहाँ रह गया, आजा, यही होता है, एक्स वाई की फॉर्म में आता है, बहुत ड्रामा करता है हमारा पानी लिखने में, एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू उसमें रख के चेक करनी है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इक्वेशन का, RHS लेता हूँ, तो क्या आएगा, x-2y, इसमें वैल्यू रखते हैं 0 और 2। अगर x की जगह 0 रखूँ, -2 × 2 हो जाएगा तो -4, तो यहाँ आ जाएगा -4, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं आ रहा। अगला चेक करें, 2 रखें x की जगह तो 2 - 2 की जगह 0, यानी 2 आ रहा है, क्या इक्वल है, राइट हैंड साइड के 4 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगला रख के देखें, 4 and 0, तो 4-0 = आ रहा है 4, क्या ये 4 इक्वल है, क्या ये 4 के इक्वल है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है क्या, है कि नहीं, है बेटा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब बताएं ये इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चन, ये आपको मैंने करवा भी रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के इफ़ x = 1 and y = 2, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी आपको x एंड y की प्रॉपर वैल्यू गिवन है,
या अगर हम देख सकें और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ के, और इक्वेशन गिवन है ये वाली, आपको सिंपली सब कुछ गिवन है, पूरा परोस के खाना दे दिया गया और आपसे बोल रहा भाई खा ले, तो खा सकते हो, खा सकते हो भाई, सीधी सी बात है। क्या करना है आपको, अपने हाथ ही तो चलाने खाने के लिए, और कुछ तो नहीं करना, करना होता है क्या। माई प्लस थ्री वाई, सब परोस के दिया उसका, बस आपको यूज़ कर लेना है, या एक्स की जगह वन रख देंगे, वाई की जगह टू रख देंगे, तो टू गुणे में वन प्लस थ्री गुणे में भाई क्या आ जाएगा, टू बराबर में के, दो गुणे में एक क्या होता है बेटा, ज़ीरो, तीन चार क्या होता है, दो गुणे में एक तो दो ही होता है, ठीक है, प्लस तीन को दो से गुणा करेंगे तो छः प्लस बराबर में के, दो प्लस छः कितना होता है कमेंट करके बताओ बच्चों, भाई बताओ जल्दी बताना मेरे को, दो प्लस छः क्या होता है कमेंट करके, सबका कमेंट आना चाहिए मेरे को, हर एक बच्चे का जिसने वीडियो देखी, तो दो प्लस छः क्या होता है, इससे मेरे को पता लगेगा आपने वीडियो देखी है कि नहीं, ठीक है। तो एट आ रहा है, तो के बराबर क्या आएगा, एट आएगा, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, एट आ जाएगा आंसर, यानी इसका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो आपको दिखेगा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू में टू, नहीं इस इक्वेशन दे रही है और कह रहा है ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में कट कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में कट कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, क्या कर रहा है, कट करता है, कट करता है, तब क्या होता है, वो पॉइंट हमेशा वहाँ पर आपका जो x वाला पॉइंट रहेगा हमेशा उस टाइम पे ज़ीरो रहेगा और y की कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ज़ीरो जिसमें नहीं है, इस वाले में जहाँ भी ज़ीरो नहीं मिलेगा आपको, तो उसको तो पहले एलिमिनेट यहाँ से हटा दो, तो पहला कार्ड तो हो ही नहीं सकता भाई इसमें, क्योंकि टू है, हमें पता है कि y एक्सिस में कोई भी पॉइंट कट करता है तो क्या होता है, ज़ीरो एंड y की फॉर्म में होता है, अगर x एक्सिस में कट करता है तो क्या होता, x और ज़ीरो की फॉर्म में होता, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लास्ट वाला नहीं होगा। अब आपको दो पॉइंट मिल गए, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भैया कौन सा इसका आंसर होने वाला है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इक्वेशन लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने पार्ट, उसमें वैल्यू रख के चेक कर लो भाई, ज़ीरो और टू, अगर एक्स के ज़ीरो रखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस में दो, वाई की जगह दो रखूँगा तो चार बराबर में चार, क्या इसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, दो बराबर चार होता है क्या, कमेंट करके बताना मेरे को, दो बराबर चार होता है क्या, ठीक है। अगला है ज़ीरो पे वन, तो इसमें रखता हूँ तो मेरी आ जाएगी ज़ीरो प्लस में टू, तो टू और टी इक्वल होता है, दोनों टू और टू इक्वल है, तो मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको एक्सप्लेन भी करके, मतलब इसमें रफली करना पड़ेगा साइड में, ताकि एग्जामिनर जो भी चेक कर रहा हो उसको पता हो कि आपने अच्छे से किया है, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे विदाउट कटिंग के, ठीक है। वन मार्क का ही आएगा आपका एम सी क्यू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई इज़ अ फॉर्म ऑफ, यानी किससे पूछ रहा है कि एक्स बराबर वाई है तो किस फॉर्म में इसके पॉइंट होंगे, तो यह हमें पता है एक्स और वाई क्या है, दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, क्या है दोनों पॉइंट, इक्वल है, यानी भाई राम और श्याम क्या है, इक्वल है, तो उनका वजन भी इक्वल होगा, तो उनकी जो खाने की जो होगी क्वांटिटी वो भी इक्वल होगी। इसी टाइम में आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे, दोनों इक्वल है, तो इसमें जो भी इक्वल आ रहा होगा पॉइंट वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या के इक्वल्स टू माइनस के होता है, नहीं, क्या जीरो बराबर के होता है, नहीं, क्या के बराबर जीरो होता है, नहीं, क्या के बराबर के होता है, हाँ भाई सीधी सी बात है होता है, तो इसका आंसर भाई टी पे टिक कर दो, ये क्या हो जाएगा खल्लास हो गया क्वेश्चन आपका, डन, कोई डाउट इसमें, डी। अगला देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ एक्स थ्री इज अ लाइन, हाँ आप पूछ रहे हैं कि एक्स थ्री लाइन होगा तो वो किस टाइप में होगा, हमें पता है ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखता है भाई, ऐसे ही दिखता है, तो एक्स बराबर थ्री कहाँ पर होगा, यहीं कहीं आएगा, ये हमें पता है किसके पैरेलल है, ये कौन सी एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये वाली एक्स एक्सिस, तो ये किस एक्सिस के पैरेलल है, इसी लाइन के यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आपसे जहाँ भी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साम दिख रहा है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एज अ डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट फ्रॉम से और इधर, यानी यहाँ से तीन यूनिट की डिस्टेंस पे इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, ठीक है। ये आपको मैंने करवा भी रखा है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अगला, इन इक्वेशन y इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, तो आपसे पूछ रहा है भाई ये m क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा कि पूछ रहा है ये m क्या होता है, तो m क्या होता है दोस्तों, स्लोप ऑफ लाइन होता है, क्या होता है बेटा,
स्लोप ऑफ लाइन होता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया बट आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है कि स्लोप ऑफ लाइन होता है एम। ठीक है, या क्लास टेंथ में जब आएंगे तब और अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन होता है एम, तो इसका आप डिक कर देंगे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऑलवेज लाइन। अगर कह रहा है एक्स और वाई जो ए एंड बी है, जो भी है एक्स एंड वाई, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हमें पता है ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें पता है यहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये पूछ रहा है अगर दोनों पॉजिटिव, हमें पता है यही पॉजिटिव होता है सिर्फ, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ये लाई करेगा, यानी पहले ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, डाउट होते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, आपको बताना भी है वीडियो आपको कैसी लगी है, हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्या कह रहा है, द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 10y को उसमें 14 दे रखा और आपसे पूछ रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन होने वाला। सिंपली जब भी आपको x एंड y की फॉर्म में मिले, आप सिंपली y की टर्म में इस इक्वेशन को क्या कर लें, कन्वर्ट कर ले, 14 माइनस 4x देन आपका आ जाएगा माइनस 10। अब यहाँ पर आप जितनी भी वैल्यू रखें x एंड y की, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेंगी, तो आप कह सकते हैं सिंपली इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना करना है, इसमें वैल्यू रख के चेक करके नहीं दिखाना बार बार एग्जामिनर को, एक बार लिखेंगे और देन टिक कर दे, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, कोई भी काटेगा नहीं। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपसे पूछ रहा है भाई कितने सॉल्यूशन होंगे इस दो इक्वेशन के, गिवन है आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये दे रखा है। हमें पता है दो इक्वेशन है तो उसके क्या हो सकते हैं, हमेशा अगर एक ही वेरिएबल होता तो भाई हम यूनिक सॉल्यूशन होता, बट यहाँ पर क्या अलग अलग है, तो उसका इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके क्या होंगे, इन्फिनिटी माइनस सॉल्यूशन। अगर आप एक्स एंड वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाए इनमें, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी विदाउट किसी ब्रेक के, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर वे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है देखते हैं। इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कह रहा है, तब पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ भाई, y की वैल्यू पूछ रहा है क्या, ध्यान से पढ़ो भाई बच्चों। k की वैल्यू पूछ रहा है किसकी, k की, यानी इक्वेशन उठा लेते हैं, उठा के रख दे तो भाई यहाँ लिखा 2x प्लस 3y बराबर में k ले लिया। ठीक है, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दो, x क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा x, बेटा ध्यान से देखो x 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 y की वैल्यू 0 बराबर में k, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 3 मल्टीप्लाई 0 यानी ख़त्म हो गया, तो क्या आ जाएगा k बराबर 4, क्या 4 आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4 यानी a ऑप्शन। ठीक है, इसमें तुक्काबाजी नहीं चलेगी आपकी, कहीं बच्चा तुक्का मार रहा हो तो सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको खुद करना है। क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दीवन है और आपसे पूछ रहे हैं इसका ग्राफ क्या होगा अगर y एक्सिस में कट कर रहा है। अभी जस्ट ऊपर किया था इस क्वेश्चन को हमने कि भाई कैसे होना है, y एक्सिस में पॉइंट होता है तो कुछ इसी टाइप में होगा, यानी 0, y की, अगर इस फॉर्म में जो पॉइंट नहीं है उसको पहले हटा दो, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, दो पॉइंट बचते हैं यानी b एंड d। अब इसमें चेक करना है कौन इसको सेटिस्फाई करता है, सिंपली आई लेफ्ट हैंड साइड उठाए और वैल्यू रख के चेक कर ले, पहला रखते हैं 0 और 3, तो 2 गुणे में 0 प्लस 3 गुणे में 3, ये मेरा आ जाएगा 9। क्या 6 बराबर 9 होता है, क्या नहीं होता, तो ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब वैल्यू रख के चेक करेंगे तो 3 गुणे में 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, साथ के साथ बच्चों आप कमेंट करके बताएं अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे कि आपको सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा लगा, क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन की, भैया मेरे को पहला क्वेश्चन अच्छा लगा, दूसरा क्वेश्चन इजी है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट करके आपको कैसे टाइप का लगा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो अब कमेंट करता है उसमें हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले टॉप पे रख के उसको क्या करेंगे, उसका लाइक करेंगे साथ के साथ कमेंट, और उसको थैंक यू बोलेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, आई बात समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 5 इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन, यानी एक चर में ये इक्वेशन लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा है दो चरों में लिखना है, यानी टू वेरिएबल्स में कैसे आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो हमें पता है यहाँ पर अगर दो चर में लिखना है या हमें टू वेरिएबल्स में लिखना है, तो इसी टाइप में फॉर्म आएगी कुछ करके, x प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ समथिंग कोई नंबर होगा,
तो यहाँ पर एक्स तो नहीं है। अगर आपको एक्स लाना है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखें अगर पहले वाले में, तो वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई है, तो वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स तो था ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देखें बी, दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये भी नहीं होगा। सी अगर देखें तो वन मल्टीप्लाई जीरो, वन तो होएगा ही नहीं। जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस में वन प्लस मल्टीप्लाई वाई कोस टू में फाइव का, तो यहाँ पर जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, एनी पॉइंट लाइज ऑन, ऐसे करके आपको दे रहेगा वाई कोस टू में एक्स से। अभी जस्ट क्वेश्चन किया, यानी जहाँ इक्वल आ रही हो इनकी वैल्यू, साफ पता चल रहा है इनकी वैल्यू इसी में इक्वल आ रही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू में फाइव, आप देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, फाइव कहाँ होगा, यहीं कहीं आएगा। सेम टू सेम कहानी क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेम कहानी। अभी एक करी हमने क्वेश्चन, पैरेलल टू वाई एक्सिस टिक करेंगे और इसको आप ग्राफ बना के दिखा सकते हैं अगर आपको मन करे तो। अगला कह रहा है एक्स नाइन दे रखा है, वाई क्वेश्चन फोर द सोल्यूशन, अब पूछ रहा है किसका सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन आप बच्चा करके दिखाएंगे खुद ही, और मेरे को कमेंट करके बताते किस किस बच्चे का हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर नहीं होता तो भाई मैं तो हूँ ही आपके लिए, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। अगला, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, कह रहा है एक्स एक्सिस में किस फॉर्म में होता है। हमें पता है एक्स एक्सिस में अगर पॉइंट है तो क्या होगा, वहाँ पर वाई जीरो होगा। तो यहाँ पर वाई चेक करना है कहाँ पर जीरो, पहले में जीरो है नहीं जीरो, क्या सी में जीरो है नहीं जीरो, डी में जीरो नहीं। हमें पता है वाई सिर्फ किस में जीरो है, दे रखा है बी पॉइंट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन एक दो तीन चार, तो पूछ रहे दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकता है। तो सिंपली आप क्या करें, इनमें वैल्यू रख के चेक कर लें। ठीक है, इनमें क्या करें आप, माइनस थ्री एंड इसमें रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जीरो एंड जीरो रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, बी होगा इसका। इसमें आप वैल्यू रख के एक बार चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे एक्स प्लस वाई में अगर थ्री माइनस थ्री रखता हूँ, तो प्लस थ्री और माइनस थ्री करेंगे तो जीरो भी आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला जीरो प्लस जीरो जीरो बराबर होता है, अगला भी इसमें सेटिस्फाई करें, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर आप वैल्यू रख के चेक करें। नेक्स्ट कहते हैं अगला, द पॉइंट दे रखा ए कॉमा माइनस ए इज ऑलवेज लाइन ऑन, यानी किस पे लाई करेगा। हमें पता है, चेक करके देख लेते हैं, एक्स बराबर ए तो होगा नहीं, ठीक है, अगला भी नहीं होगा। वाई ये क्या बराबर है दोनों, ए बराबर ए हो सकता है, ए बराबर माइनस ए नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा, डी। यहाँ पर मैंने एलिमिनेट करे ऑप्शंस, जहाँ पर आपको एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वहाँ पर और ईजी हो जाता है आपके लिए चूज करना और करेक्ट ऑप्शन। तो ये दोस्तों हमने कर लिए 20 क्वेश्चन आपके प्रॉपर चैप्टर 4 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारे समझ आए होंगे, और साथ के साथ कमेंट करना ना भूले आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे को हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए इसमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।